अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुजम्मिल टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्विटर को आखिरी वार्निंग क्यों दी गई और साथ ही साथ बिगो लैब को क्यों बैन किया गया। तो दोस्तों, वजीब डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के ऊपर आपको मिलती रहे। दोस्तों, पीटीए को अपनी तरफा से मशहूर है जिसके जो टिकटॉक और बिगो लैब की बारे में थी। दोस्तों, टिकटॉक के अंदर कुछ ऐसा मामला अपलोड किया जाता है जो लोग अपनी फेम हासिल करने के लिए अपलोड करते हैं। 3 साल पहले टिकटॉक जो आई थी उसके अंदर बहुत अच्छी थी। अब लोग फेम हासिल करने के लिए इसके अंदर कई तरह के मामला अपलोड कर देते हैं जो एक महजब माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिससे हमारी नौजवान नस्ल के अंदर एक गलत बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, पीटीए ने इसको वार्निंग दी टिकटॉक को, वो अपने कॉन्टेंट जो अपलोड किया जाता है इसमें से गलत कॉन्टेंट है उसको डिलीट कर दे ताकि वरना इसको बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, बिगो लाइव दूसरी एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर लोग एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, अपने डायमंड्स खर्च करते हैं और जो सामने स्ट्रीमिंग कर रहा होता है वो एक फहश स्ट्रीमिंग हो रही होती है जिससे माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा होता है। दोस्तों, इसको बैन करना तो बिल्कुल ठीक है। अगर आप बिगो लाइव मजीद जाना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च कर लें और मजीद आपको इस बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर लोग काफी 90% लोग मेहनत नहीं करते लेकिन 10% लोग तो मेहनत करते हैं। तो टिकटॉक को चाहिए कि इसको यदि इसे वहाँ को डिलीट करे ताकि जो लोग टिकटॉक यूज करते हैं और सही यूज करते हैं उनका आम इजी हो, अपने इनकम जारी रख सके। ठीक है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों यूट्यूब को भी पाकिस्तान के अंदर 4 साल तक बैन रखा गया इसी वजह से क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा मवाद अपलोड कर दिया जाता है जो हमारे दीन के खिलाफ था, जो हमारे माशरे के खिलाफ था और उस टाइम में यूट्यूब की पॉलिसी भी इतनी सख्त नहीं, तो लोग ऐसा मवाद अपलोड आसानी से कर दिया करते थे। इसलिए यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी सख्त करी ताकि लोग ऐसे मवाद अपलोड ना कर सके जो हमारे दीन के खिलाफ हो, जो हमारे माशरे के खिलाफ हो। इसी तरह टिकटॉक को भी चाहिए वो अपने जो कंटेंट है पॉलिसी गाइडलाइंस इतनी सख्त करें ताकि लोग ऐसे मवाद अपलोड ना कर सकें। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।